गुड मॉर्निंग भाई। आज है फ्राइडे और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। हिसार घूमने तो नहीं, आज हम जा रहे हैं दामू की नानी से मिलने के लिए। और दामू देखना, देख के ना घुस गई अंदर। उड़ जा, लेट हो गए हम। देखो भाई, इन्होंने करा दिया लेट। टाइम देख लो कितना हो गया है। और मैं भी हो गया लेट। फटाफट तैयार होते हैं। सुबह ने कर लिया है काम, नीचे ब्रेकफास्ट बना रही है और दायरा नहा रही है। तो फटाफट तैयार होते हैं और निकलते हैं भाई। मैं तो हो गया हूँ रेडी और इन्होंने करा दिया बहुत ज़्यादा बड़ा लेट। संदीप जी हो रहे होंगे परेशान, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जाना था आज। और ये देखना, डुगु दामो तो हो गए तैयार। खैर, अब सुमन नहाने अब घुसी है। ये देखो, इसके ना अभी तक पैकिंग शुरू नहीं हुई। दामो क्या कर रही शूज है? डाल रही हो? तो भाई ये डब्बे डब्बों में लेके जा रही है शूज। और ये दायरा क्या कर रही है? ऐसे टाइम पास कर रही, सेटिंग करके। टाइम पास कर रही है? तो फटाफट हो जाओ बेटा तैयार, लेट हो गए हम। मैं तो हूँ रेडी। सुमन जल्दी आ जा निकल के। भाई मैं तो हो गया, देखो तैयार। अभी सिर्फ जैकेट पहननी है और निकलना है। डुगु दामू चलो नीचे, मैंने तो दूध सामान रख दिया सारा ऑलमोस्ट। देखो बिल्कुल भी जगह नहीं रही है गाड़ी के अंदर। अभी फटाफट निकलते हैं। तो ये देखो भाई, सुमन ने लेट करा दिया है यहाँ। अभी तक ना हमने निकलना था 9 बजे और 11 बज चुके हैं। 2 घंटे बाद भी तैयार नहीं है ये। चलो चलो गाड़ी में बैठो। चलो भाई निकल लो। क्या हो गया दामू, तू देखना अभी तक। फ्रेंड्स अभी हम निकल लिए हैं क्योंकि हम लेट हो गए, 11 बज चुके हैं। हमारी वजह से काम थोड़ा ज्यादा था, इस वजह से सारा निपटाना था क्योंकि हमने आना 1 हफ्ते में। तो अभी निकल चुके हैं उधर से। अभी संदीप और चाचा को लेते हैं और फिर चलते हैं। ऐसे चला रहे हैं गाड़ी और ये दामू डुगू मेरे साथ बैठे, मैं भी पीछे बैठी क्योंकि आगे चाचा बैठेंगे। तो अभी आ गया संदीप का घर। अभी हो गया खाने का टाइम इनका, 11:30 में अभी दामू खा रही है अड़ंगा। दामू क्या खा रही है? अड़ंगा ना, इस गाड़ी में सिर्फ दामू खाएगी, एक भी बंदे को दूंगी मैं जो जो कहेगा ये अड़ंगा है। डुगु अड़ंगा खाती होगी और दामू फ्रूट खाती होगी, बट उल्टा है यहाँ पे। शाम तक डुगु ने बनाई है नई डिश। और फिर वो कैसे खा रही है डुगु? खा ये देखे, मेल पे लिख के दे दिया था कि हम नहीं स्नैक लाइट है। ये सो रही है, रन कर रही है, सो रही है, सोने दे उसको। मैंने गाड़ी चलानी है, रेस्ट कर रही है भाई दामू। तो अभी सुन के गाइस, अभी हम ले रहे हैं अमरूद। यहाँ पे अमरूद बड़े अच्छे मिलते हैं तो ले लेते हैं थोड़े से। उधर संदीप ले रहा है अमरूद। नीनी होगी पूरी जगह और सोना है नहीं? कौन सा सेटिस्फाई उड़ गया पक्का? पहुंचने वाले हैं नानी के घर। जब हम नानी को दुख रहा होंगे जब ये भी सो गया। हमारे हाथ में तो छोरे बड़े दामू सो गए भाई। तो पहुंच गए भाई सार। और ये देखो ये डुगु धाम उतर रही है अभी नीचे। और ये रहा नानी का घर। तो भाई नानी से मिल लिए हैं, नाना से मिल लिए हैं, मैं अपने सास ससुर से मिल लिया हूँ। और अभी जा रहे हैं हम, ये अपनी बुआ के पास जा रही है, मैं अपनी सिस्टर के पास जा रहा हूँ। और देखो और यहाँ भी तो ठंडी बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा ठंड है भाई। हिसार का टेम्परेचर और पंचकुला के टेम्परेचर में तो बहुत फर्क है, यहाँ तो गजब की ठंड है। और सुबह सुबह कितनी धुंध है। चलो अभी फटाफट चलते हैं और हार्दिक चेतन से मिलते हैं, ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मिलने के लिए ना। तो भाई बस पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे हम और मिलवाते हैं अभी हार्दिक चेतन से आपको। तो भाई ज्यादा ही ठंड लग रही है। देखो ये लड़की पहुंच गई है अपनी बुआ के घर। और ये देखो रीति रिवाज, डुगु धाम अपने रीति रिवाज निभाते हुए ना। चलो अभी अंदर एंटर करते हैं अभी। अरे खोल लो इतना। तो भाई हम पहुंच गए हैं और ये देखो हेलो भाई, इनसे मिलिए। ये है हमारे घर की दादी अम्मा। ये आपको किसी को कोई ज्ञान लेना हो तो इनकी शक्ल देख लीजिए, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। ये देखना, ये बिना पैसे लिए ना अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते। देखो भाई आते ही इतनी ठंड थी, हम हो गए सारे पैक रजाई के अंदर। और हमारी और ये खातिरदारी,
अभी नीतू लेके आ रही है हमारे लिए खाने पीने की चीजें और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्या खाने के लिए आ रहे हैं, भूख भी थोड़ी जबरदस्त लगी है हमारे को। और आते ही हमने चला लिया व्लॉग। ये देखो भाई, आते ही हमारे हो गए व्लॉग चालू। और अभी हार्दिक और चेतन गए हुए हैं ट्यूशन पे, वो आएंगे 8 बजे, तब तक हम होंगे बोर, तब तक संजय जी आ जाते हैं तो उनके साथ गप्पे शप्पे मारते हैं। तो हार्दिका और चेतना के 8 बजे, और तब तक हम ले रहे हैं मजे यहाँ पे बैठ के, आराम से बातें करेंगे। संजय जी आने वाले हैं अभी, तो तब तक खाएंगे पियेंगे और करेंगे मौज। ठंड बोर है बहुत ज्यादा है यहाँ, तो बाहर तो हमने निकलना ही नहीं है। यहाँ पे है मिस्टर गार्ड साहब, और देखिए कितने एक्साइटेड है ये। सर नमस्ते। सर कैसे हैं आप, कितने एक्साइटेड हो, उड़ के आ रहे हो या चल के आ रहे हो? चल के आ रहे हो। क्या बात है, सांस ऐसे चढ़े हो जैसे उड़ के आ रहे हो। साइकिल चला के आ रहे हो? अच्छा, ना उड़ के आ रहे ना चल के आ रहे, साइकिल से आ रहे हो। तो भाई मिलिए इनसे, आप जानते ही उनको, बड़े फेमस आदमी है ये ऑटोमोबाइल के बादशाह। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे तो आप पूछ सकते हो इनसे। कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है फिर? क्या बात कर रहे हो, ये होते है क्विक आंसर। तो भाई ये देखो, चेतन ने लिए नई स्कूटी ओला की। देखो कैसी लगी आपको, इसका रिव्यू जरूर देना। चेतन बताएगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। इसकी टच स्क्रीन है, यहाँ से लाइट ऑन होते हैं, रिवर्स क्रूज कंट्रोल का ये इंडिकेटर है इसके, यहाँ से हॉर्न बजता है। ये इसके मोड चेंज करने के लिए स्पोर्ट्स इको नॉर्मल, ये पावर बटन है, वॉल्यूम अप डाउन, ये पोस्ट है, ये स्पीकर है इसमें, और आगे हेडलाइट है, होलोनैप है। अच्छी है, टच स्क्रीन है इसमें। कितने किलोमीटर चल जाती है ये? 120 चल जाती है फुल चार्ज में। तो भाई ये देखिए, ये तीन लोग हमसे मिलने के लिए आए हैं, ये हमारे फैंस हैं। कहाँ से आए हो जी आप? सेलिब्रिटी मिलने आए हैं हमसे। मेरा एक क्वेश्चन है, सेलिब्रिटी हमसे मिलने आए हैं। एक क्वेश्चन है, आप हमसे मिलने आए हो, हम आपसे मिलने आए हैं? आप लोग हमसे मिलने आए, आप विशाल में आए हो हमसे मिलने, आप लोग तो हम आपसे मिलने, हम सेलिब्रिटी है ना, आप लोग मिलने आए हो तो। हेलो गाइस, ये आप ले लिए, कैसा लग रहा है आपको हमसे मिलके? तो भाई देखिए, फैंस हमारे ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हैं लाइन में। तो देखो वो लाइन वहां से शुरू होती है और यहाँ खत्म होती है। दो फैंस है और वो भी आप हमारे सामने ऑटोग्राफ देने आए हो। तो भाई हमारे आगे हैं बर्गर खाने के। सो गाइज, हम आके बुआ के घर से आके सो भी गए थे और अब हम उठ भी गए हैं, तो अभी है मॉर्निंग का टाइम। तो आज के व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। तो आज के लिए बाय।